है कि भगवान ने, प्रकृति ने हमको जो बहुत सारी चमत्कारिक चीजें उपलब्ध कराई हैं भगवान ने या प्रकृति ने, उनमें से एक चमत्कारी चीज वो बोलते हैं गाय है। गाय, भागवत जी कहते हैं कि भगवान ने और प्रकृति ने जितनी चमत्कारी चीजें हमें उपलब्ध कराई हैं उसमें से एक है गाय। और गोमूत्र के बारे में वो बहुत बखान करते हैं। बखान शब्द आप समझते हैं, खूब प्रशंसा करना, खूब प्रशंसा करना। वो कहते हैं कि ये गाय का मूत्र अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत है, मतलब वो ये कहते हैं कि वात पूरी तरह से खत्म करने की शक्ति इसमें है, कफ पूरी तरह से खत्म करने की शक्ति इसमें है, और पित्त पित्त के रोगों को भी खत्म करने की शक्ति है कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के साथ। वात और कफ को तो ये अकेला ही खत्म कर देता है, पित्त को खत्म करने के लिए इसमें कुछ औषधियां मिलानी पड़ती हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जीवन में तीन तरह के जो जितने रोग हैं, वात पित्त कफ, इनकी कुल संख्या मैंने आपको सबसे पहले दिन बोली थी 148 रोग हैं लगभग भारत में, दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं सिर्फ भारत। तो भारत में वात पित्त कफ के कुल 148 रोग हैं। बागवत जी कहते हैं हर रोग को खत्म करने की शक्ति अकेली अगर किसी एक वस्तु में है तो ये गोमूत्र है। मेथी का दाना वात को कम करेगा, कफ को कम करेगा, पित्त को खत्म नहीं कर सकता, पित्त को कई बार बढ़ा देता। कई लोगों को यह महसूस होगा मेथी दाना खाएं तो जलन ज्यादा होती है, गैस बनती है, मुंह सूख जाता है, तो आप समझ लो पित्त भड़क गया आपका, तो उन लोगों के लिए तकलीफ है। लेकिन वो कहते हैं कि यह गोमूत्र एक ऐसी चीज है जो वात पित्त कफ तीनों को सम में लाने के लिए सबसे ज्यादा मदद करता है। अब ये तो उन्होंने लिख दिया 3500 साल पहले, तो जरूर कुछ ऑब्जर्वेशन किए होंगे। हमको इस पर भरोसा कम होता था, जब ये बात मैंने पहली बार पढ़ी तो भरोसा कम होता था कि क्या अद्भुत चीज बता रहे हैं वो, वात पित्त कफ तीनों को एक साथ सम में ला सकता है, थोड़ा सा मामूली हेर फेर करना पड़ेगा पित्त के रोगियों के लिए, बाकी के लिए तो कुछ नहीं करना। तो फिर हम लोगों को जब शक हुआ कि शायद ये इतना असरकारी नहीं हो सकता, तो गोमूत्र पर हम लोगों ने कुछ परीक्षण किए। हमारा एक बहुत बड़ा समूह है इस देश में, तो उसमें बहुत तरह के लोग हैं, वैज्ञानिक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, वगैरह वगैरह। तो कुछ वैज्ञानिक और डॉक्टरों ने मिलकर कहा करके देख लो, बागवट जी कह रहे हैं तो हो सकता है जरूर इसमें कुछ गंभीर बात हो, करके देखो। तो जब करके देखना शुरू किया तो पिछले लगभग 5-6 वर्षों में गोमूत्र पर हजारों परीक्षण किए, हजारों। सबसे पहले तो उसका हमने केमिकल एनालिसिस कराया कि आखिर गोमूत्र है क्या, तो सबसे ज्यादा उसमें पानी है, पानी के अलावा क्या है, तो पता चला पानी के अलावा उसमें कैल्शियम है, तो पता चला पानी के अलावा उसमें सल्फर है, पानी के अलावा उसमें आयरन है, पानी के अलावा उसमें ऐसे जीवन के 18 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो शरीर को बहुत ही उपयोगी है। पानी तो है ही गोमूत्र में, आपके भी मूत्र में पानी है, लेकिन पानी के अलावा उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आपके मूत्र में नहीं है, मनुष्य मूत्र में नहीं है। कैल्शियम है, आयरन है, सिलिकॉन है, बोरॉन है, एफी है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, ऐसे 18 सूक्ष्म पोषक तत्व। अब मैं आपको पहले दिन की बात याद करा रहा हूं, ये 18 सूक्ष्म पोषक तत्व तो एक साथ अगर किसी चीज में है तो मिट्टी में है, मिट्टी, खेत की मिट्टी में, और दूसरी अगर किसी चीज में एक साथ है तो गाय के मूत्र में, दूसरी कोई भी चीज में अगर है तो गाय के मूत्र में। पहली चीज जिसमें है मिट्टी, और दूसरी कोई चीज तो गोमूत्र। तो गोमूत्र का प्रयोग आप जरूर कर सकते हैं। ये जो संपूर्ण घटक वाली एक पेय पदार्थ है या द्रव्य पदार्थ है, इसके बारे में वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है, चमत्कारिक है। तो हमको लगा कि करके देख लो, तो इसका पहले हम लोगों ने केमिकल एनालिसिस कराया एक लेबोरेटरी में, गाय का मूत्र डिब्बे में भर के दिया, शीशी में भर के, कि जरा देखो इसमें क्या है। तो 6 महीने के बाद, लगभग 8 महीने के बाद, लखनऊ एक शहर है भारत का जिसका बड़ा नाम है, बड़ा जिक्र है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां पर एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है, उसका नाम भी बता दूं ताकि आप चाहें तो उनसे कंफर्म कर लें। प्रयोगशाला का नाम है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट।
भारत में दवाओं पर औषधियों पर काम करने वाली ये सबसे बड़ी संस्था है। तो इनके यहां सबसे पहला टेस्टिंग हुआ, शीशी में भरा गोमूत्र हमने दिया और तीन चार तरह के गोमूत्र दिए। एक तो वो जर्सी गाय होती है ना, जर्सी गाय, विदेशी गाय, उसका भी दिया, होलिस्टियन फ्रीजियन जाति की गाय का दिया, और जो भारत की गाय है, देशी गाय अपनी, उसका दिया। तो वैज्ञानिकों ने 6 से 8 महीना लगाया, फिर रिपोर्ट आई। रिपोर्ट के बाद पता चला कि शरीर की बीमारियों को खत्म करने के लिए जितने घटक चाहिए वो सब गोमूत्र में है, सबके सब, सबके सब है। अब जैसे मैं आपको नाम लेके कहूं, आपको त्वचा का कोई भी रोग हो गया, कोई भी रोग हो गया त्वचा का, तो इसका माने आपके शरीर में एक घटक कम हुआ। घटकों की कमी से ही रोग होते हैं, वो घटक का नाम है सल्फर, एक केमिकल कम होता है जिसका नाम है सल्फर। जिनको भी स्किन डिसीज होंगी उनके शरीर में सल्फर कम हो जाएगा, यह है बात। अब गाय के मूत्र में भरपूर मात्रा में है सल्फर, भरपूर। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये त्वचा रोग वालों को इकट्ठा करके सल्फर चाहिए, तो सल्फर हम चाहें तो होम्योपैथी में दे सकते थे उनको, सल्फर चाहें तो आयुर्वेद में भी दिया जा सकता था। हमने ना होम्योपैथी में दिया ना आयुर्वेद में दिया, उनको कहा भाई गोमूत्र में सल्फर है और आपको सल्फर की जरूरत है तो आप पी के देख लो। तो उनमें से कुछ ने पिया, कुछ ने नहीं पिया, कुछ को लगा कि कैसे पिए हैं इसमें वगैरह वगैरह, बहुत सारी तकलीफें हैं। वो एक आदमी तो मुझे कहता था राजीव भाई इतनी बास आती है कैसे पी सकता हूं, और वो रोज एक बोतल दारू पी लेता था, गोमूत्र पीने में उसको बास आती थी। तो मैं उसको समझाता था भैया दारू की जो बास है उससे अच्छी तो ये है, लेकिन वो माना नहीं। खैर, जिन लोगों ने पी लिया, हमने देखा कि 1.25 महीने से ही उनके त्वचा का रंग बदलना और उनका जो रोग है वो बदलना शुरू हुआ। 3रे महीने तक आते आते संपूर्ण रोग ठीक, और क्या क्या रोग ठीक हुए, सोराइसिस ठीक हुआ, जो कभी ठीक नहीं होता। आप जानते हैं एलोपैथी वाले तो कहते हैं सोराइसिस ठीक ही नहीं होता, सोराइसिस के बारे में वो कहते हैं कि आदमी मरे तो ठीक होता है, ये भाषा है डॉक्टरों की। तो वो सोराइसिस ठीक हुआ, एक्जिमा तो इतने आसानी से ठीक हुआ कि बहुत ही आसान, खुजली, खाज, दाद, सब तरह के त्वचा रोग ठीक हुए। तो बात समझ में आई कि बागवती जी सही कहते हैं। फिर हमने इसका एक्सपेरिमेंट घुटने दुखने वालों पे किया, घुटने दुखते हैं, कमर दुखती है, कंधा दुखता है, और देखा कि रिजल्ट बिल्कुल सही है, 15 से 20 दिन में ही असर है। फिर हमने इसका प्रयोग कफ वालों पे किया, खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, 20-20 साल की खांसी है, 25-25 साल की खांसी है। अब आप जानते 20-25 साल की खांसी तो दमा ही हो जाती है, या तो टीवी में बदल जाती है। तो उसमें देखा तो इतना तीव्र असर है इसका कि अगर आप ट्यूबरकुलोसिस के किसी भी पेशेंट को सरकार का इलाज कराएं, आप खुद कर लें ये एक्सपेरिमेंट, मैं तो 20 बार कर चुका। सरकार का इलाज आप जानते हैं, गोलियां, डॉट्स की गोलियां टीवी के मरीजों को देते हैं और कहते हैं हम फ्री में बांट रहे हैं। तो एक आदमी को आप बोलो कि डॉट्स खाए और इलाज कराए, और दूसरा ऐसा ही आदमी पैरेलल ले लो जिसको टीवी है, अस्थमा है, दमा है, उसको कहो नहीं तुम सिर्फ गोमूत्र पियो और कुछ मत करो, फ्रेश गोमूत्र माने फ्रेश, जो ताजा। तो आप देखेंगे कि वो डॉट्स की गोली खाने वाले को 4 महीने से 6 महीने लगेंगे और ये गोमूत्र पीने वाले को 1.25 महीने से 2 महीना ही लगेगा और ठीक होगा। और ये एक बार ठीक हुआ गोमूत्र पी के, इसको दोबारा टीवी नहीं आएगी, क्योंकि गोमूत्र बीमारी ही ठीक नहीं करता, प्रतिरोधक शक्ति इतनी बढ़ा देता है कि वो बीमारी भविष्य में दोबारा ना आए। तो समझ में आया कि बाघ भट्ट जी तो कुछ गलत नहीं बोल गए, सही। फिर हमने और एक एक्सपेरिमेंट किए कि जिनको डॉट्स दी जा रही है, ऐसे कुछ मरीज एम्स में हमने चिन्हित किए, ज्यादा एक्सपेरिमेंट हमने एम्स के डॉक्टरों की मदद से किए। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के कुछ मरीज जिनको डॉट्स दी जा रही है, नियमित रूप से टीवी के लिए वो आते हैं, उनको शीशी में भर भर के ये दे दिया और ये नहीं कहा कि ये गोमूत्र है, क्योंकि कहो तो खाएं नहीं और पिए नहीं, उनको कहा ये बहुत अच्छा सीरप है, आप इसको पीते रहो। अब वो आते थे, शिकायत करते थे कि ये कैसा सीरप है, इसमें कुछ बास सी आती है, दूसरे सीरप तो मीठे मीठे लगते हैं कि भाई ये सीरप दूसरे तरह का। तो उनको बताएं तो पिए नहीं और हमारा एक्सपेरिमेंट हो नहीं तो हमें तो करना था, तो उनको बताया गया। तो ये हमने देखा कि डॉट्स का जो काम करने का है, डॉट्स माने उसके जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसके घटक जो शरीर पर काम हो रहे हैं, गोमूत्र पीते ही उनके काम करने की शक्ति 20 गुने से 40 गुनी बढ़ गई।
डॉट्स तो काम कर ही रही है, लेकिन गोमूत्र के साथ जब डॉट्स दी गई तो वही उनकी बीमारी जो 6 महीने में खत्म होने वाली थी वो 2-2.25 महीने में संपूर्ण जड़ से ठीक हो गई। फिर जब वो ठीक हो गए तब उनको हमने बताया कि भैया वो शीशी में भर के जो दिया था वो गोमूत्र था, तो तुरंत नाक चढ़ गई उन्हें, ठीक हो गए। कहते हैं जी आपने तो बहुत अच्छा कर दिया, हमको हमारी संभावना नहीं थी कि हम जिंदा भी बचेंगे, लेकिन नाक तब भी चढ़ गई। तो ये जो नाक चढ़ती है हमारी, ये अब कम कर दीजिए इसको चढ़ाना। गाय का मूत्र अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। इसके हम एक्सपेरिमेंट करते करते 48 रोगों तक पहुंचे हैं आज। 48 डिसीज हैं, 48 रोग हैं, वात के, कफ के, पित्त के, तीनों के जड़ से खत्म होते हैं। अभी जो लेटेस्ट हम काम कर रहे हैं आज की तारीख में, जब मैं आपसे कह रहा हूं, इस समय ज्यादा काम हो रहा है कैंसर पे, कि गोमूत्र का कैंसर पे असर देखो क्या होता है। तो गले का कैंसर, आहार नली का कैंसर और पेट का, इन तीन कैंसरों पर सबसे अच्छे परिणाम है गोमूत्र के, तीनों कैंसर पे। बाकी जो रक्त का कैंसर है उसमें परिणाम अभी उतने अच्छे नहीं है। तो भागवत जी के जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है, मतलब कि गोमूत्र में ये मिलाओ और ये मिलाओ और इतनी मात्रा में मिलाओ और इतनी, वो करके देख रहे हैं, और वो करके देखने के लिए एक बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है इस देश में। आप कभी भी वहां जा सकते हैं, 11 फरवरी से काम करना शुरू कर देगा। वलसाड में बन रहा, वलसाड, वलसाड आपने सुना है गुजरात में। तो वलसाड के कुछ जैन समाज के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने दिल दिखाया और दान दे दिया जितना चाहिए था। माने हॉस्पिटल बनाने के लिए आप जानते हैं आसान नहीं है, और कैंसर हॉस्पिटल के लिए तो थोड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने भरपूर दान दे दिया, जगह भी दे दी, तो हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया। 11 फरवरी से काम शुरू हो जाएगा। जो वैज्ञानिक गोमूत्र पर काम कर रहे थे पिछले 6-7 साल से, वो सब इकट्ठे होकर वलसाड में बैठेंगे और सिर्फ कैंसर पे काम करेंगे, क्योंकि बाकी काम तो करके देख चुके हैं, वो सब में अच्छा है, हर बीमारी में काम आ रहा है। कैंसर में करेंगे, और हर तरह के कैंसर में करेंगे, गर्भाशय के कैंसर में करेंगे, रक्त कैंसर में करेंगे, ब्रेन ट्यूमर जो कैंसर में कन्वर्ट होता है उसमें करेंगे। और शायद हमें लगता है 1-1.5 साल के बाद मैं दोबारा आपको मिलूंगा तो इस पर बहुत विस्तार से बात करूंगा कि कैंसर में क्या रिजल्ट है। 3 तरह के कैंसर के रिजल्ट तो अभी बता सकता हूं, गले का, आहार नली का और पेट का, ये तो बहुत अच्छे से ठीक हो रहा है, लेकिन बाकी कैंसर में भी इसका कोई असर है। आपने कैंसर के बारे में जितना कुछ सुना है उसमें से एक बात मैं कहूं कि आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि शरीर को कैंसर तभी होता है जब शरीर में एक केमिकल कम होता है, उस केमिकल का नाम है करक्यूमिन। ये आज के वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके निकाला है, करक्यूमिन नाम का एक केमिकल है, ये कम है तो जरूर तो खत्म होगा आदमी, कैंसर आएगा और खत्म होगा। और इस केमिकल की कमी से जो कोशिकाएं होती हैं वो अनकंट्रोल्ड होती है, उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, तो ये एक दूसरे के साथ मिलकर एक जूथ जैसा बना लेती हैं, वो ट्यूमर हो जाता है, फिर ट्यूमर बाद में ब्लास्ट होता है और फिर वो मैलिग्नेंट होता है, पहले बिनाइन फिर मैलिग्नेंट, और फिर अंत में कहते हैं जी डेथ ही है और कुछ है नहीं, उसमें कंट्रोल के बाहर है वो सब। सारे वैज्ञानिक इसमें लगे हुए। अब संयोग की बात देखिए कि जिस करक्यूमिन की बात आज के वैज्ञानिक कर रहे हैं वो करक्यूमिन भरपूर मात्रा में गोमूत्र में है, भरपूर मात्रा में, और एकदम डाइजेस्टिबल फॉर्म में है। डाइजेस्टिबल माने तुरंत पियो और असर करे, ऐसा देर नहीं लगे, ये कुछ ऐसा संयोग है प्रकृति का। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये तत्व कम होता है तभी कैंसर होता है। अब यही तत्व गाय के मूत्र में है, तो हजारों साल पहले भागवत की कही हुई बात अब सिद्ध हो जाएगी, साल भर में तो सब मान लेंगे। अब तक जितने रिसर्चेज हुए हैं गोमूत्र पर, इन पर भारत सरकार के सामने रिपोर्ट्स पेश की गई। भारत सरकार की जानते हैं एक काउंसिल है जिसका नाम है MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इनके पास सब कुछ जाता है सबसे पहले, तो वो सब गया तो MCI वालों ने नाक चढ़ाई बहुत, ये क्या आप ले आए गोमूत्र, ऐसा बात करते हैं, ये क्या ले आए गोमूत्र, माने उनको लगता है कि ये तो बेकार की चीज है गोमूत्र। अब उनका कुतर्क क्या है वो जरा देखो, कुतर्क, तर्क है तो चलो अच्छा है हम उनसे संवाद कर सकते हैं समझा, कुतर्क करते, कहते जी ये गोमूत्र इतना ही अच्छा होता तो गाय छोड़ती क्यों इसको शरीर से,